नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस ने गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे और साथी उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद समेत 5 लोगों के बारे में सूचना देने वाले के लिए इनाम की राशि सोमवार को दोगुनी कर दी है। और बता दें कि 5-5 लाख रुपए की इनाम की राशि ये कर दी गई है। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया है कि असद के अलावा अन्य 4 आरोपी अरमान, गुलाम, गुड्डू और साथ ही साबिर है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद की 24 फरवरी को बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व सांसद अतीक अहमद राजूपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी है और गुजरात की जेल में बंद है। वही बिजनौर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी शादी समारोह में शिरकत की है। इस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। बता दें कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हेलीकॉप्टर से की गई है। और साथ ही बता दें कि बिजनौर यह हेलीकॉप्टर पहुंची थी जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी सख्त की गई थी। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिजनौर दौरे पर थे और इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। और यह तस्वीर अखिलेश यादव की जहां पर हेलीकॉप्टर उतरी और देखिए किस तरीके से फूल माला के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बसपा और बीजेपी को हराना नहीं चाहती है, सपा को हराना चाहती है। और साथ ही विपक्ष को एकजुट करने की जोर दिया गया है और कहा है कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की है। संविधान बचाने के लिए इस बार सबको मतदान करना पड़ेगा। गैर भाजपाई वोटों को लोकसभा चुनाव में बांटने से रोकने के लिए कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे हैं साथी उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मूलियां खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता होगा ऑडियो वायरल हुआ था जी, बीजेपी के किसी नेता का, क्या वो ऑडियो फर्जी था क्या? ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक बाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। NIA की टीम श्रीनगर, शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग और साथ ही कुलगांव सहित कश्मीर के कई हिस्सों में छापेमारी की है। सूत्रों के बता दें कि मुताबिक छापे आतंकी फंडिंग और सत्य अन्य आतंकी गतिविधियों के मामले में संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान जमात ए इस्लामी से जुड़े अधिकांश लोगों के घरों में सर्च किया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक NIA की टीम ने शोपिया जिले के वाची एरिया में रेड की है। इसके साथ ही पुलवामा जिले के नहमा, लट्टूर और साथ ही कुलगांव जिले के फैसल इलाके में भी रेड चल रही है। NIA की इस टीम अनंतनाग के अचवल जिले में पहुंची थी जहां पर रेड अभी भी शुरू हो गई है। और इससे पहले सुबह तड़के श्रीनगर में महिला अलगावादी आसिया अंद्राबी के घर पर भी तलाशी ली गई थी। तमिलनाडु के मदुरे में सोमवार देर रात एक पुराने स्पेयर बता दें कि पार्टनर्स के गोदाम में भीषण आग लग गई है। और इस दौरान अधिकारी मंगलवार को इस घटना की जानकारी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही सही कारणों का पता चल जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि सोमवार देर रात हमें सूचना मिली कि मदुरे में एक पुराने स्पेयर पार्टनर्स के गोदाम में आग लग गई है। एक बार फिर से मौसम बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न बता दें कि डिस्टरबेंस के कारण मंगलवार को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि 15 से 17 मार्च
तक। बता दें कि दक्षिण मध्य प्रदेश और साथ ही पूर्व भारत के बारिश की संभावना जताई गई है। आने वाले कुछ दिनों में भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। भारत इस दौरान बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि साउथ असम और साथ ही निचले सौरमंडल स्तरों में भी साइक्लोन की संभावना जताई जा रही है। इसके कारण पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। वहीं अवैध खनन पर बलरामपुर पुलिस सख्त नजर आ रही है। बता दें कि अवैध बालू लदी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि थाना हड़िया पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध खनन पकड़ा है और साथ ही ये पूरा मामला थाना हड़िया क्षेत्र के हेंगहा नाला के पास का बताया जा रहा है। वही बलरामपुर में चोरी के माल को अभियुक्त से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो अधा बेटा भी पुलिस ने बरामद किया है। वही ग्रामीणों के सहयोग से इस चोर को गिरफ्तार किया गया है। वही थाना हरिया पुलिस टीम ने कार्रवाई की है और थाना हरिया क्षेत्र के ग्राम रत्नवा में बता दें कि अतरपड़ी में यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र में टनकपुर हाईवे पर आमने सामने दो बाइक जोरदार भिड़ंत हो गई है। इसमें 27 वर्षीय एक युवक और 6 वर्षीय एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि थाना बरखेड़ा क्षेत्र के पोटा कला के रहने वाले शादाब अपनी पत्नी महराज और साथ ही 6 साल के भांजे फैज के साथ बाइक से मझौला जा रहे थे। वहीं बता दें कि मझौला से थाना न्यूरिया के जंगरौली आशा निवासी अनुज और उनके जगपाल भी बाइक से आ रहे थे, तभी टांडा विजिलेंस की पास से आसपास आमने सामने दो बाइकों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर 27 वर्षीय अनुज और 6 वर्षीय फैज की मौत हो गई है। देखिए, ये टांडा विजयपुर के का एरिया पड़ता है जी। जो मेन हाईवे अपना न्यूरिया से मझौला वाला हाईवे पे घटना हुई है। आमने सामने से बाइक की टकराई है। दो युवक थे, अनुज और जगपाल, ये कटिमा की तरफ से आ रहे थे और मझौला की तरफ से आ रहे थे, और एक ये शादाब, उसकी पत्नी मिराज और उनका भांजा था ये फैज, ये मझौला की तरफ जा रहे थे। तो इसमें दो जो बच्चा है फैज और एक अनुज, उनकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मानिक है और मैं निविया कॉलोनी से। अच्छा, क्या है पूरा मामला, जो एक्सीडेंट हुआ है? ये है कि अभी दो बाइक आपस में टकराई, एक फैमिली वाली थी, एक दो बाइक ऐसे थी जो लेबर कर ली, आपस में टकराई। दो बंदे, एक बच्चा था और एक जो उत्तराखंड से आ रहे थे, दो बंदे ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। मंडी निदेशक फरुखाबाद पहुंचे हैं, जहां पर आलू की मंडी में सतनपुर वहां पर पहुंचे, जहां आलू के दामों में भारी गिरावट के साथ किसान काफी परेशान नजर आए हैं। दरअसल मंडी में जो भाव किसानों को मिल रहा है वो सस्ते लागत से निकल पाना काफी मुश्किल हो रहा है। इसी सिलसिले में आज बता दें कि फरुखाबाद के संतपुर मंडी में मंडी निर्देशक अंजनी कुमार पहुंचे थे। व्यापारियों और किसानों से उन्होंने वार्ता की है, साथ ही बताया है कि राज्य सरकार आलू के दाम को लेकर काफी गंभीर है। देखिए, राज्य सरकार आलू के दाम को लेकर बहुत गंभीर है और किसानों को सर्वोत्तम मूल्य मिले इसके लिए हर भरसक प्रयास किया जा रहा है, और इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ किसानों से बात हुई, कुछ व्यापारियों से बात हुई है, और किसानों को ज़्यादा व्यापक बाजार मिले, ज़्यादा लोग उसके खरीदार हों, तभी उनको अच्छा मूल्य मिल सकेगा। और इसके लिए हम लोग ईनेम पोर्टल पर भी आलू के बेच रहे हैं। कल हम लोगों ने करीब 49 लॉट लगाकर ईनेम पोर्टल पर उसकी बिक्री कराई है। इसकी संख्या बढ़ाकर आज 100 के ऊपर करेंगे। ऑफर द्वारा आलू खरीद के बारे में आपको पता ही है, ऑफर द्वारा आलू खरीद की जाएगी और प्रत्येक प्रयास करके किसानों को उनकी मेहनत का सबसे अच्छा मूल्य दिलाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में योगी राज में पुलिस अपराध की रोकथाम के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। कई शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ के दौरान ढेर भी हुए हैं और तमाम पुलिस ने इन अपराधियों को ढेर करने में काफी मुश्किलों का सामना भी किया है। गोली भी लगी है, अपराधी कई घायल भी हुए हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ इस कदर बैठता जा रहा है कि अपराधी अपराध से थाई तौबा करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस से गोली मारने के गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि अब तो जेल में बंद अपराधी भी पुलिस पर कार्रवाई से खौफ जता रहे हैं और साथ ही इलाज के लिए भी जेल से बाहर जाने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें एक मामला सामने आया है हरदोई से, जहां जिला कारागार के बता दें कि डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाए गए कैदी ने जमकर हंगामा काटा। कैदी मेडिकल कॉलेज से बता दें कि पुलिस के साथ जाने के लिए राजी नहीं था, वही सिर्फ एक जिद पर अड़ा हुआ था कि पुलिस उसे लिख कर दे कि रास्ते में उसे गोली नहीं मारी जाएगी, तभी वे पुलिस के साथ जाएगा। इसी दौरान काफी देर तक हंगामा चला और अंत में पुलिसकर्मियों ने उसे गोली न मारने का आश्वासन दिया, जिसके बाद से वे पुलिसकर्मियों के साथ जिला कारागार के लिए रवाना हो गया। जेल इन्होंने गोली मारने का आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। बिहानी का एक निरुद्ध बंदी जिला जेल से जिला चिकित्सालय के लिए डायलिसिस के लिए ले आया गया था, जहां वह डायलिसिस कराने से मना कर रहा था और हंगामा काट रहा था। बाद में पुलिस द्वारा समझा बुझा करके उसका डायलिसिस कराकर उसे पुनः जिला जेल भेज दिया गया। हरदोई में अब अपराधियों के मन में पुलिस को लेकर एक खौफ देखने को मिल रहा है और साथ ही बता दें कि जिला कारागार से डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाए गए कैदी ने जमकर हंगामा काटा है। कैदी मेडिकल कॉलेज से पुलिस के साथ जाने से इनकार करता हुआ नजर आया और अपनी जिद पे अड़ा रहा कि पुलिस उसे लिख कर दे कि रास्ते में उसे गोली नहीं मारी जाएगी, तभी वे पुलिस के साथ जाएगा। इसके बाद से अंत में जब काफी देर तक हंगामा चला तो पुलिस ने लिखकर आश्वासन दिया कि उसे रास्ते में गोली नहीं मारी जाएगी, इसके बाद से वे पुलिस के साथ जाने के लिए रवाना हुआ है। पीलीभीत में पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई है, बाइक सवार की मौत हो गई है। इस दौरान बता दें कि पिकअप पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे चार केसेस आए थे, जिसमें एक अज्ञात है जो कि ब्रॉड डेड है। उसमें अभी मैंने एग्जामिन किया था तो उसमें कोई भी वाइटल्स नहीं मिल रहे थे, जिसका नाम पता नहीं चल पाया है। और बाकी के तीन हैं, जिसमें एक पंकज कुमारी लड़की है जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, एक ममता है जिसकी उम्र लगभग 18 साल है। इन दोनों को प्राइमरी ट्रीटमेंट देके मैंने इसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। एक बच्चा है 15 साल का, दीपक नाम, उसको छोटी चोटें आई हैं, उसका ट्रीटमेंट हमने यहीं कर दिया है। और ये तीन लोग एक साथ के थे, बाकी का इसका कुछ ऐसा पता नहीं चल पा रहा है ये कौन कहाँ का है। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, बता दें कि यहाँ पर पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है और इस दौरान पिकअप पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही बाइक पर सवार जो युवक था उसकी मौत हो गई है। बता दें कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है कि किस तरीके से इस भिड़ंत हुई है और इस मामले को लेकर जिसकी मौत हो गई है उसके परिजनों को इस मामले की जानकारी दे दी गई है और साथ ही पुलिस इस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मरकर जलने के बाद शरीर राख बन जाए, इससे अच्छा तो ये है कि किसी के काम आ जाए। इसी सोच के साथ शिवहरे परिवार ने अपने घर में स्वर्गवास हो चुके विधवा का शव मेडिकल कॉलेज प्रशासन को दान दे दिया है। सिपरी के बाजार क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी निवासी शरद शिवहरे की माता जी नीलमा, बता दें कि नीलमा शिवहरे 77 वर्ष के सोमवार सुबह उनका निधन हो गया था और इस दौरान निधन के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी माता की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए, कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन को डॉक्टर अंशुल जैन की
इसको बता दें कि शरीर को सुपूत किया है और साथ ही शव को दान दे दिया है। बता दें कि शरद शिवहरे ने बताया है कि माताजी की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव को मेडिकल कॉलेज में दान किया जाए। उनका कहना था कि मेडिकल के छात्रों को पढ़ाई करने में इससे मदद मिलेगी और साथ ही इंसान के मृत शरीर की आवश्यकता मेडिकल के छात्रों को पड़ती है और साथ ही इसी कारण से कई लोग अपनी मृत्यु से पहले अपना देह दान करने की इच्छा जाहिर करते हैं। विचार हम लोगों का भी था, वो पेपरों में पढ़ती रहती थी क्योंकि डॉक्टरी माहौल से जुड़ा हुआ परिवार है। परिवार में ये मेरे परिवार का पहला इंसिडेंट है इस तरीके का। इससे पहले मेरे ताऊ जी ने आँखें दान की थी, जो जिससे दो लोग आज रोशनी प्राप्त कर रहे हैं खानपुर में। उन्हीं सबको देखते हुए उनके मन में भी विचार था कि मरने के बाद भी मेरा शरीर काम में आए, और उन्होंने ऐसे सहमति दी थी। देहदान करने से किस तरीके के लोगों में परिवर्तन आता है, क्या एजुकेशन है? नहीं, परिवर्तन अगर आप एक दूसरे को देख के ये सोचें कि जलने के बाद आप सिर्फ राख लेके घर जाते हैं और सिर्फ अस्थियाँ चुनते हैं, और ये संदेश तो मैं सबको देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्य समाज में आगे आगे लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए कि कम से कम आप मरने के बाद तो किसी के काम आए। एक बार फिर से शिक्षा के मंदिर में गुरु और शिष्य के रिश्ते को गुरु ने शर्मसार कर दिया है। ताजा मामला थाना कोतवाली मैनपुरी के खड़जीत नगर के सेट ज्वारियर स्कूल का बताया जा रहा है, और साथ ही बता दें कि जेवलियस स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर विद्यालय में कक्षा 7 में पढ़ने वाली 15 साल की नाबालिग छात्रा से स्कूल के ही प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ की है। आरोप है कि पहले स्कूल का प्रिंसिपल प्रदीप कुशवाहा स्कूल की कंप्यूटर लैब में ले जाता है, और जाने के बाद उसने एक दूसरी छात्रा से पीड़िता को लैब में बुलाया जाता है, और पहले तो उस पीड़िता छात्रा से अश्लील बातें की जाती है, उसके बाद से उसे छेड़छाड़ करना शुरू किया जाता है, जिसके बाद से पीड़िता वहाँ से भागने में सफल रहती है, जिसके बाद पीड़िता ने स्कूल से बाहर निकलकर अपने भाई को फोन कर पूरी जानकारी दी है, जिसके बाद से परिजन स्कूल पर पहुंच गए और इस दौरान जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद से सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पीड़ित छात्रा और आरोपी प्रिंसिपल को थाने ले गई है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर ले ली है और साथ ही आरोपी प्रधानाचार्य को पूछताछ की जा रही है। क्या हुआ? आज 10:30 बजे के बाद सेंट जेवियर स्कूल में प्रिंसिपल, जो वहाँ का ऑनर भी है, मकान मालिक भी है, वही सब कुछ है, उसने मेरी सिस्टर है 15 साल की, 7th क्लास में पढ़ती है, उसके साथ लैब में ले जाके उसके बाद गलत हरकतें करके और गले वलट के वगैरह सब कुछ कर, गंदी हरकतें कर रहा है उसके साथ। आज सूचना मिली है कि सेंट जेवियर स्कूल जो खड़ा की दरह में स्थित है, वहाँ की छात्रा ने अपने प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। उसका संज्ञान लिया गया है, CCTV फुटेज जो भी स्कूल में लगी है उसको निकाला जा रहा है, और जो बच्ची है उसका भी बयान लिया जा रहा है। पूरी चिंता से, पूरी गहराई से इसकी छानबीन की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है सख्त सख्त अनुकरण कार्रवाई की जाएगी। जालौन में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है और मानवता की नई मिसाल लिखी गई है। दरअसल महीनों से नशे में धुत होकर, बता दें कि परिवार जनों को परेशान कर रहा युवक को पुलिस ने, बता दें कि नशे की लत से परेशान पीड़ित को इस दौरान उड़ई कोतवाली पुलिस से गुहार लगाई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कोतवाली पुलिस ने युवक और उसके परिवार के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए नशे में आदि युवक को नशा मुक्त केंद्र भेजा है। पुलिस ने इस कार्य की परिजन और उनके घर वाले उनसे परेशान थे, तो उनकी कॉल आई, ले गई, एडमिट करिए, इलाज करिए अच्छे से। अच्छा, तो आपको सूचना उरई कोतवाल ने दी थी? अच्छा, लोग सिद्धि नशा मुक्ति केंद्र उरई से आए हुए हैं। लोग माननीय थाना अध्यक्ष महोदय कोतवाली हो रही है इस कदम की प्रशंसा करते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।